कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये देखो, द्वादश पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथों के विषय में जानकारी ये कहां से चले। अब यहां इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है। जो यहां सत्य है, वाणी में सत्य है, कबीर परमेश्वर की वाणी में बहुत सत्य है कि लिखा है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का ही संदेश है। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां से शुरू करेंगे। चूड़ामणि यहां पर प्रथम है। यहां इन्होंने नारायण दास को प्रथम वो बनाया है, प्रथम पंथ का, प्रथम जो प्रवर्तक, प्रथम पंथ का हेड बताया, मुखिया। अब ये नारायण दास लिखा है इन्होंने कबीर वाणी 1870 पे, कबीर चरित्र बोध में, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे। तो प्रथम इन्होंने नारायण दास जी लिया, क्योंकि नारायण दास जी तो पहले से कबीर साहब का विरोधी था, श्री कृष्ण का पुजारी था और धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था। जब परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि ये तेरा बेटा नहीं है, तेरा शत्रु है, ये काल ने भेज रखा तेरे घर पर पहले, ये काल का विशेष दूत है और तेरी भक्ति को नष्ट करने के लिए तेरे घर पर भेजा, क्योंकि तू मेरा परम भक्त था। तब जो परमात्मा ने उसकी वास्तविकता दिखाई, उसकी सकल वास्तविक दिखाई, तो धर्मदास घबरा गया और चिंतित हो गया था कि हे भगवान, अब मेरा वंश तो काल का वंश होगा, हे परमात्मा मैं घोर पापी हो जाऊंगा। इस चिंता में रहने लगा। जब कबीर परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया था कि बेटा तेरे घर पर मेरी कृपा से एक और अच्छी आत्मा आवेगी जिससे तेरा वंश चलेगा और इस नारायण दास का वंश नष्ट हो जाएगा, तो उसमें ये चूड़ामणि जी परमात्मा की कृपा से धर्मदास जी को 60 वर्ष की उम्र में वो पुत्र हुआ था। और वो है प्रथम, नारायण दास तो वैसे विरोधी था और श्री कृष्ण का पुजारी था आखिरी सांस तक, और वो नारायण दास ने इस चूड़ामणि जी को, जो बाद में उसका भाई उत्पन्न हुआ था, उसको इतना तंग कर दिया था कि चूड़ामणि जी उस बांधवगढ़ को छोड़कर चला गया था। और 10-15 वर्ष के बाद नारायण दास जिस बांधवगढ़ में रहता था वो पूरा का पूरा शहर नष्ट हो गया था। तो नारायण दास का पंथ तो कितना चल रहा है, कोई ये इन्होंने गलत लिखा यहां पर। इस कबीर पंथ, कबीर सागर को कबीर पंथियों के लिए विशेष दास समझा रहा है और आप जी के लिए प्रमाण हो रहा है कि जो बताई जा रही वो सच्चाई है, कि वो समय आ गया है और ये दास परमेश्वर का वही संत भक्त दास है जिसके विषय में परमात्मा ने पूर्व कहा था। तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हमें ठीक ठिकाना मिल गया, फिर यो काल विचलित आपको करेगा नहीं। इसलिए ये ढेर सारे प्रमाण देकर के आपको परमात्मा के चरणों में रखा जा रहा है, ये देखिएगा। तो नारायण दास इन्हें पहला बताया है। दूसरा यागो दास, बाकी ठीक है, यागो दास सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, यहां देखिए।
द्वादश पंथ काल फुरमाना, 12 पंथों में काल का ही जो है संदेश है। मूल भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये पहला चूड़ामणि वाला पंथ है वो 12 पंथों में से। अब दूसरा, जग में जागू भरमावे, दूसरा जग में जागू, ये यागुदास, ये देखो यागुदास को जागुदास, जग में जागू भरमावे। अब यहां प्रथम हम इसको लें, प्रथम चूड़ामणि इन्होंने प्रथम यहां लिखा, ये द्वितीय लिखना था जागू। और तीसरा सूरत गोपाल, यहां पर भी तीसरा सूरत गोपाल, ये तीसरा। और पांचवा चौथा मूल निरंजन की का पंथ। अब यहां ये वह सब वही है, मूल निरंजन पंथ, टकसार का पंथ, ये पांचवा लिखा, यहां पर छठा है बीज पंथ, बीज की बीज को लिखा, ये जीवा वाला पंथ। छठा है सतनामी पंथ, ये सतनामी यहां भी लिखा है, इसमें सातवां लिखा है सतनामी पंथ। और आठवां, ये सातवां लिखा, आठवां जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। और ज्ञान ज्ञान की काल दिखावे, ये नौवां जो है, ये प्रेम धाम, प्रेम प्रेम धाम की वाणी, ये प्रेम धाम की वाणी, इसको प्रेम धाम की, ये हाँ गर्मा है प्रेम धाम की वाणी। और ये कमाली पंथ को यहां परमात्मा ने लिखा है कि वो नकली नौमे ज्ञानी काल दिखावे वो। और गर्मा है प्रेम धाम की वाणी, इसमें दसवां लिखा परम धाम की वाणी। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पंथ 12 लिखे हैं, इन्हीं का प्रमाण यहां परमात्मा की वाणी में मिलता है जो सत्य है। और दस में ये परम धाम की वाणी, अब ग्यारहवां है ये परम धाम की वाणी। इसके बाद जो बारहवां पंथ, यहां दसवां हो गया, अगर इसको ग्यारहवां लिखें इनके हिसाब से तो ये ग्यारहवां शुरू होता है यहां पर, तो बारहवां नहीं पूरा होता। तो वो इस नारायण दास जी को साथ लेकर चलेंगे ना, इस चूड़ामणि जी को, तो तब ये एक लेंगे, फिर ये दूसरा ये होगा, तीसरा दूसरा जागुदास, तीसरा सुरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसार, और छठा पांचवी छठा ये बीज पंथ जो, और यहां सातवां सतनामी पंथ, आठवां ये जीवा पंथ, और आठवीं से नौवां राम कबीर पंथ, और दसवां जो है ये कमाल पंथ होगा ज्ञानी वाला, और ग्यारहवां ये दसवें के स्थान परम धाम की वाणी, और बारहवां यहां से शुरू होता है। इसमें लिखा संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1775 होई, तादिन प्रेम प्रगटे सोई। 1774 में आदरणीय गरीबदास जी का जन्म हुआ था। ये 75 या तो मिसप्रिंट है या लेखन में गलती है, वो वर्षों के आधार से भी कुछ त्रुटि रह जाती है। आगे लिखा है कि सीख आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खाव, साख हमारी ले जीव समझावे। ये बर में पंथ वाले गरीबदास पंथ वाले, अब यहां देखो, क्योंकि ये रह रहकर बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कई पंथों ने ढावेगा, सब ने सीधे करेगा ये ज्ञान। अब बर्मा गरीबदास पंथ है, और गरीबदास पंथ के विषय में यहां बर्मे में लिखा है कि साखी हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। बर्मे पंथ प्रगट हो वाणी, इस गरीबदास वाले पंथ में परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, गरीबदास के मुखारविंद से मेरे महिमा की वाणी बोली जाएगी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, और उनके अनुयायी जो पढ़ने वाले मेरे इस ज्ञान का निर्णय करेंगे, पर वो निर्णय नहीं कर पाओगे, अस्थिर घर का मर्म न पावे,
अस्थिर यानी सथाई, घर का मर्म न पावे, ये बारह पंथ हमी को धावे जावे। बारह के बारह पंथों को कहीं सथाई स्थान नहीं मिलेगा, सतलोक प्राप्ति नहीं होगी। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया कि बारह में पंथ हमी चल आवे, बारह में पंथ हमी चल आवे, सब पंथ मिटाके एक ही पंथ चलावे। बर में पंथ में हम ही चलकर आवे और सब पंथ मिटाकर एक ही पंथ चलावे। अब क्या बताया है कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगहर मांडो में दाना। ये प्रथम चरण बता दिया कि मगहर में मैं जब शह शरीर जाऊंगा वो मेरा प्रथम चरण होगा, यानी वो पहली पीढ़ी होगी और ये पिछली पीढ़ी होगी, ये फिर बिचली पीढ़ी होगी जो अब चल रही है कलयुग की, और फिर लास्ट में आएगी अंत में, वो तो कर्तगनी प्राणी हो जाएंगे कलयुग के लोग, कोई भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, विकारी हो जाएंगे, सरेआम बदमाशियां उन लग जाएंगी, तो वो पीढ़ी भक्ति योग नहीं रहेगी। अब ये बिचली पीढ़ी है, तो इस बिचली पीढ़ी को पार करने के लिए परमात्मा ने अब बैन ठा दिया। पहले बैन लगा रखा था, के लगा रखा था, देखिएगा अब देखो ये क्या लिखा है, कलयुग अंत पठेत 5505 यानी 5505 कलयुग जब जालेगा तब ये शब्द होएगा साचा। अपनात्माओं अब ये कहते हैं उस समय ये हमारी सच्चाई सामने आवेगी। अब देखो नीचे, अब क्रिया सौगंध, परमात्मा ने सौगंध दिवाई थी धर्मदास जी को और सभी जो परमात्मा के गवाह बने थे उन सबको, क्या बोला है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। धर्मदास जी को कह रहे हैं परमात्मा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर जे न जाई, बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मेरी महिमा का पवित्र ज्ञान जैसे बजले रहे, भगवान तेरा काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भिनत पड़ेगी कान, कहते इस तरह का ज्ञान तो तुम बताते रहना, लेकिन इस मूल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को अभी किसी को मत बताना। देखो, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गोई माने गुप्त तुम राखो, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़, जो बाहर पढ़ ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। अगर ये तत्व ज्ञान पहले ही नकली संतों ऋषियों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी में हम निर्णय नहीं कर पाओगे असली और नकली का। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, ओहो 33 अरब ज्ञान हमने बोला और मूल ज्ञान गुप्त हम रखा, गोय हम रखा। कहते हैं अभी तक मूल ज्ञान मैंने फिर भी गुप्त ही रखा है, वो तो बिजली पीढ़ी आवेगी और बर में पंथ में हम ही आएंगे, फिर उसको खोल कर सुनावेंगे तत्व ज्ञान, फिर बताएंगे। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम रखा, गुप्त रखा है 33 अरब वाणी बोल दी मैंने, लेकिन मूल ज्ञान फिर भी नहीं, तत्व ज्ञान अभी नहीं बताया है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाएगी। अब ये दास आपको स्पष्ट करना चाहता था कि इस दास को परमात्मा कबीर जी ने भेज दिया स्वयं ना आए इस गरीब दास वाले बारहवें पंथ में। अब आगे देखो कितना क्लियर किया है, यही आपने कबीर वाणी बोध सागर का 136 और 137 प्रश्न पढ़ा, कबीर वाणी बोध सागर का 136 और 37 आपने पढ़ लिया, और यहां देखो 134 पर और क्लियर कर दिया इन्हीं 13 वंशों के बारे में। 12 तो वो वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि को उत्तम लिखा है, अगर यहां उत्तम लिखते नारायण दास तो उत्तम था ही नहीं। अगर वो वहां जो 1870 पृष्ठ पर नारायण दास जी लिखा है वो गलत लिखा है, चूड़ामणि जी को उत्तम कहा, प्रथम वंश उत्तम, दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश विरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई,
और आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां पंथ वंश पंथ पूजा, दसवां वंश प्रकाश, ग्यारहवां वंश प्रगट सारा और बारहवें पंथ प्रगट होए उजियारा। बारहवें पंथ में बारहवें वंश से प्रगट होए उजियारा यानी मेरी महिमा का कुछ कुछ प्रकाश होगा बारहवें पंथ यानी गरीबदास द्वारा। और तेरहवें वंश मिटे सकल अंधियारा। अब तेरहवां वंश ये दास भेज दिया परमेश्वर ने, कहते हैं अब सारा अज्ञान अंधकार सब खत्म कर दिया जाएगा। एति दगा काल समाई और तत्व बिंदु की टेक रह जाई। कहते हैं बारह पंथ और दूसरे भी नरे पंथ सभी काल के ही गुणगान करने वाले हैं, इसके बाद भी मेरे तत्व ज्ञान की टेक रह जाएगी। और तेरहवां जो मेरा वंश आएगा वो सारे अज्ञान को हटा करके एक ही पंथ चलाएगा, सब पंथ समाप्त हो जाएंगे। अब ये कहते हैं बर्म में पंथ प्रगट हुआ वाणी। अब गरीब दास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा में कलम तोड़ रखी और वाणी प्रगट कर रखी, वो आपको सुना रहे हैं। आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूजंते, दास गरीब कुलंग छवि वो अदर ढाक कूदंत। अब यहाँ प्रसन्न मन में आता कई भक्तों का, कहते हैं कि गरीबदास जी ने तो बाद में उत्पन्न हुए, उन्होंने कबीर जी की महिमा को जो उनसे तो लगभग 500 वर्ष पहले, उनसे तो लगभग 200 वर्ष पहले आए थे परमेश्वर कबीर जी, तो गरीबदास जी को वाली किन्ने कैसे वाणी उनकी महिमा की गाई। देखो पुण्यात्माओं, हमारे जो शरीर है इसके अंदर परमात्मा के द्वारा बहुत ही विशेष सिस्टम ला रखे है। हमारे अंदर प्रत्येक मानव शरीर कंप्यूटर है, प्रत्येक प्राणी का शरीर जो है उसके अंदर कोड वर्डों में पूरे संस्कार भरे हैं और इसके अंदर चैनल लगे हुए हैं। इसमें कंप्यूटर की तरह हर प्रत्येक चीज हमारे अंदर फीड है असंख्य जन्मों की। अब जैसे वेद व्यास जी ने सतयुग के अंदर बोले गए विचार एक दूसरे की वार्ता और द्वापर के लास्ट में लिपिबद्ध की थी जो पहले वार्ता हुई थी, और श्री कृष्ण जी यानी जैसे सुधा सागर आदि जो द्वापर युग में कब उनकी वार्ता हुई थी, और चारों वेद पहले लिपिबद्ध नहीं थे, ऐसे ही गोटा लाया रखा करते थे। जैसे ब्राह्मण लोग होते थे उनका एक वंश होता था, उनकी ड्यूटी यही होती थी कि वो वेदों को पढ़ें और पढ़ाएं, तो उनमें से एक द्विवेदी दो वेदों को कंठस्थ याद करते थे रखते थे, फिर त्रिवेदी तीन वेदों को कंठस्थ याद करते थे, चतुर्वेदी वह होते जो चारों वेदों को घोट कर रखा करते थे। तो उनके द्वारा जो बोले गए उनके अंतःकरण में वो जमा थे वो वेद, वेद व्यास जी ने लाखों वर्षों के बाद और ज्यों के त्यों लिपिबद्ध कर दी। और गीता जी महाभारत के युद्ध में बोली थी, काल भगवान ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो भी कई वर्षों के बाद व्यास जी ने ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी, जबकि व्यास जी उस वार्ता के अंदर नहीं था। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग वो दृष्टि कबीर परमेश्वर ने खोल दी, जिस कारण से उन्होंने गरीबदास साहिब जी ने लाखों करोड़ों वर्षों पहले क्या सृष्टि की जो रचना थी और जो भी 18 पुराणों में जो घटना थी वो सारी सत्य अपने सदग्रंथ के अंदर अपनी वाणी में लिपिबद्ध करवाई। तो गरीबदास जी महाराज ने कबीर परमेश्वर की महिमा को किस प्रकार बताया है। अब रामानंद जी ने पर्दा लगा रखा था अपनी झोंपड़ी के सामने और रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर जी बाहर खड़े हैं। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धाक कूदंत। कुरंग छवि, जैसे कुरंग कहते हैं
मृग को, हिरण को, वो कैसे कूदता चलता है। कहते रामानंद जी ने जब पता चला कि कबीर एक जुलाहे का बालक तुझे गुरु बताता है, कहते हैं ना मृग की तरह कूदर गुस्से हो रहा, कहने लगे झूठ बोलता है। परमात्मा गरीबदास साहिब जी लिख रहे हैं परमेश्वर के विषय में कि रामानंद जी फिर अपनी झोंपड़ी में ना मृग की तरह कूदे अंदर खड़े खड़े। आडा पड़दा लाए करे रामानंद भूजंत, दास गरीब कुरंग छवि, कुरंग माने हिरण की तरह, और अधर ढाक कूदंत, अधर ढाक कूदंत, कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति, बोलत है बलि जाऊं मैं। अब रामानंद जी ने छो मां के पूछा था गुस्से में, कौन तुम्हारी जात है, कौन तुम्हारा पंथ और कौन तुम्हारा नाम है। परमेश्वर जैसे गुरु जी के सामने भी नम्र होकर बोला करते हैं, गरीबदास साहेब जी कह रहे आधीन गति बोलंत, गरीबदास आधीन गति व बोलत है बलि जाऊं मैं। अब एक पूर्ण शक्ति होते हुए और ऐसे बच्चों की तरह खड़ा है, नो हाथ जोड़े और कहते हैं बलिहारी जाऊं मैं। इस परमेश्वर की लीला पर गरीबदास जी कह रहे हैं कि नो अधीन गति होकर बोलते हैं अधीनता से, लेकिन बोलते सत्य हैं। क्या कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। परमात्मा कबीर जी बोले कि स्वामी जी जाति पूछता है तो मैं जगत गुरु, पूरी सृष्टि को सत्य ज्ञान देने वाला मैं ही हूं, और मेरा मार्ग पूछता है कौन सा पंथ है, जैसे वैष्णो पंथ विष्णु जी का ज्ञान देने वाला, और गिरी पंथ नाथ पंथ ये भगवान विष्णु जी के विषय में जानकारी रखने वाले। तो परमात्मा ने कहा कि मेरा परमेश्वर पंथ है, जैसे ईश ब्रह्म को बोलते हैं और ईश्वर परब्रह्म को कहते हैं, परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को कहते हैं, कबीर जी को कहते हैं। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पड़े मेरा नाम निरंजन कंत, और मेरा नाम पूछे है तो मैं वो निरंजन हूं। पुण्यात्मा निरंजन का अर्थ होता माया रहित परमात्मा, यानी जिसके ऊपर माया का दबाव ना हो। अब ये काल को ज्योति निरंजन बोलते हैं, लेकिन यहां ये ज्योति निरंजन प्रसिद्ध है ब्रह्म के नाम तक। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं निरंजन हूं, निरंजन का सीधा निरंजन बोलते हैं। जैसे अब ये एक बहुत ही कोड वर्ड है जो दास आपको रह रहकर कभी कभी याद दिलाता हूं इस गूढ़ ज्ञान को, अन्यथा आप विचलित हो जाओगे, इसलिए मैं कम बोलता हूं इसको, क्योंकि हम परमात्मा ने समय समय पर कहा निरंजन धन तेरा दरबार। तो वहां निरंजन शब्द सीधा ज्योति निरंजन काल के की तरफ बोध करता है, संकेत करता है, लेकिन यहां जो नाम निरंजन कंत, निरंजन का अर्थ ये परमात्मा मानते हैं, जैसे ब्रह्म को ये फाइनल मान लेते हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा निरंजन, मेरा नाम निरंजन है, मैं वो माया रहित भगवान हूं, परमात्मा हूं। इस बात को सुनकर रामानंद जी और दुखी हो गए। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार। रामानंद बोले रे दुर्बुद्धि बालक, तू अपने आप को भगवान कहता है, गरीबदास जी कहते हैं। रामानंद जी को बड़ा दुख हुआ, दर्द लगा, जो परमेश्वर ने अपने आप को भगवान ही कह दिया। जो बोले तो रामानंद जी कहता है तेरा शरीर दिखाई देता है, तू भगवान कैसे है। अब ऐसी छुरी थी हमारी, बेसलेस सिद्धांत था हमारा निराधार, कि हम जैसे रामानंद जी विष्णु जी के पुजारी हैं और फिर भी यूं सोचते थे भगवान तो निराकार है, समाधि होते थे भगवान ढूंढूंगा भगवान ढूंढूंगा, और विष्णु जी की मूर्ति रोज पूजा करता है और फिर भी ना भगवान तो निराकार है। तो उसी दृष्टिकोण से
रामानंद जी कहता है, अरे सुन बालक तू दुर्बुद्धि, तेरा घट मट तन आकार, तेरा तो शरीर है वो परमात्मा तो निराकार है, ये सब का पट्टी बंध रही थी। अब परमात्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सृजनहार, दुख हो गया रामानंद जी ने जो भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया, परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया। और के अब शब्द बोले, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास, मोमन का पालवा आए है, कहते तू एक मुसलमान के घर तक तू पाला गया टुकड़ों पर पल रहा है, और तेरा एक दानक जुल्हे के घर बास है और तू अपने आप को भगवान कहता है, यानी खूब लाल हो गया। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान, इतने उपशब्द कटु शब्द बोल दिए कि तू तो कुजात है, कुजात मीन तेरी जात का वीराना, माँ का वीराना, तू तो पड़ा पाया था उड़ा जोड़ के ऊपर तालाब पर मिला था हैं, और अपने आप को भगवान कहता है। दास गरीब कुजात है, कुजात माने जिसकी जात का ना वेरा हो, और आखिर नीच निदान, तू नीच है ना आखिर, इसलिए तू बकवाद कर रहा है, अपने आप को भगवान बोल रहा है, छोटी जाति वाला इस तरह लग गया बतो बकवाद कर रामानंद। अब इस तरह की बकवाद जब रामानंद जी कर रहे थे, परमात्मा खुश होए, पुण्यात्मा ये हमारे लिए उदाहरण है कि देखो गुरु जी कितने गलत बोल रहे थे, गाली तक भी दे थे, और चेला खुश हो रहा था, कोई गुस्सा नहीं, कोई दोष नहीं माना, ना मन में खोट आवे, तो हम खरे शिष्य हैं। यानी परमात्मा अपने एक रोल करके हमें उदाहरण दे रहे हैं कि एक सुपात्र शिष्य कैसा होता है। गुरु जी गुस्सा हो रहा है, गाली तक दे है, लेकिन सच प्रेम से बोल रहे, कहते हैं अब झूठ बोल रहे, क्योंकि भगवान चलो गुरु शिष्य का नाता तो है ही है, और सच्चाई कहने के लिए आए थे, अपने बारे में छुपा कैसे सकते हैं, मैं भगवान को ना, और सच्चाई बताई वह कड़वी लगे है, क्योंकि हमने वह झूठ की गठड़ी बांध रखी है। पुण्यात्माओं, नीम के वृक्ष पर कोई कीड़ा हो और उसको खांड की बूरा की बोरी में छोड़ दे, वहां डट्टे को ना, वो नीम में रच गया, वो कड़वा उसने वो कड़वा खाने का आदि पड़ गया, बहुत दिनों में जाकर ये सेट होता है। तो ऐसे ही हमने ये अज्ञान इतना ठोक लिया, वो सत्य हमने इतनी कड़वी लगे है, वह मीठी खांड कड़वी लगे है, हमारे इतने पाप बढ़ गए कि हमने वो मनुखा दाग कड़वी लगती है परमात्मा की सच्चाई रूपी ज्ञान की। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आदीन, मैं अवगत गत से परे इस चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशाहा मैं सकल सिंध भरपूर। खुश होकर परमात्मा कहने लगे कि मेरा कोई अभिमान नहीं है स्वामी जी, मैं आपका दास हूं, परंतु सुन लो मैं के हूं, मैं अवगत गत से परे, जिसको कोई नहीं जानता, जो प्रोक्ष अव्यक्त कहकर छोड़ दिया तुमने, वो परमात्मा मैं हूं। मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर, चार वेद तो दूर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो यथार्थ ज्ञान, कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला कहता है यानी साकार, कोई कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता निराकार, ये ज्ञान तो तत्वदर्शी संत आपको बताएंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान इनकम्प्लीट है, ऐसी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है,
कि उस ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा कि परमेश्वर के मुखारविंद से तत् सच्चिदानंद घन की वाणी में जो यथार्थ ज्ञान है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुनो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान भी इनकम्प्लीट है और गीता जी का ज्ञान पवित्र चारों वेदों का सारांश है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, मैं अवगत गत से परे अविगत, जिसकी गति को कोई नहीं जानता, और तुम्हारे तुम्हारे सत्र का जो ज्ञान है, जो तुम्हारे वाली गति है, उससे दूर हूं मैं। मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूरे, इन तुम्हारे चार वेदों से दूर जो कहते हैं ना, इन में नहीं है, कोई और बताएगा, वो ज्ञान, वो भगवान मैं हूं, और उसके लिए अपने ही विषय में जानकारी देने के लिए मैं यहां आया हूं। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। परमात्मा बोले मेरा कोई जात नहीं है और मैं पूरी सृष्टि में व्यापक मेरी शक्ति है, और आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, मैं बलिहारी हूं आपके ऊपर क्योंकि आप मेरे गुरु जी हैं। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम, मैं खालिक माने सारी सृष्टि का स्वामी, सारी सृष्टि खलक कहते हो जगत को, सृष्टि को, और खालिक सृष्टि का मालिक। कहते मैं खालिक हूं, मालिक हूं और अजात हूं, मेरा कोई जात नहीं है, पर आपने मुझे कुजात और नीच कहा, मैं बलिहारी हूं आपके ऊपर क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। जात पात मेरे नहीं बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन चाम। ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसे चाम से बना हुआ नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में, ओए होए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के 40 के मंत्र नंबर 8 में इसी कबीर परमेश्वर के विषय बताया है। पुण्यात्मा, जैसे परमात्मा की महिमा की गाने बजाने या प्रवचन या वैसे लेख आपने नरे पढ़ रखे हैं, लेकिन वो बिना सिर पैर के थे। अब नाम का पता नहीं, अरण्यों के बजले रे नाम है? नाम बिना मुक्ति नहीं, अरनाम का पता नहीं, वो है कौन से सारे कथा करा करते। तो इसलिए पहले हमने ये परमात्मा का जो है मेडिसिन की तरह दवाई जैसी कड़वी कड़वी वचन रह रह कर ये ज्ञान आपने सुनना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 40वां अध्याय और 40वें अध्याय का 8वें मंत्र में कमाल किया है। ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित है, लिखा है ना, अनुवाद किया है इसमें, लिखा नहीं, अनुवाद किया है। प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये 44वां अध्याय, 40वां अध्याय और ये यहां है 8वां मंत्र। ये देखियो, सह प्रियगात सुक्रम अकायम, ये है सुक्रम अकायम, असनाविरम, ये स्पष्ट लिखा है सह प्रियगात सुक्रम अकायम अवर्णम असनाविरम शुद्धम अपाप अविधम। ये है कबीर मनीषी, कबीर मनीषी ऊपर लगा है, कबीर मनीषी प्रिभु स्वयंभू,
यथार्थ यथा तथ्य स्वयंभू अर्थात यथा तथ्य ये कबीर मुनिषी स्वयंभू यथा तथ्य अर्थान व्यवधाता सास्विती भय समाभ है। अब ये क्या लिखा है कबीर मनीषी, वो कबीर सर्व सर्वज्ञ मनीषी माने सर्वज्ञ यानी जिसकी इच्छा सबको है वो परमात्मा जो सर्वज्ञ है सब ज्ञानों का जानने वाला कबीर, वो कबीर मनीषी हम इसको कबीर बोलते हैं। कबीर परिभू इसमें लिखा है सप्रयागात सुक्रम अकायम असनाविरम सुक्रम अकायम, ये देखो इन्होंने अनुवाद किया सुक्रम अकायम असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित। अब इसने तो स्वामी जी ने तो ठेका ले रखा था गुड़ का गोबर करण का, क्या लिखा है मनुष्य जो ब्रह्म सुक्रम माने शीघ्रकारी सर्वशक्तिमान अकायम सथूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित अवर्णम छिद्र रहित और नहीं छेद करने योग्य असनाविरम नाड़ी आदि के साथ संबंध बंधन से रहित शुद्धम अविद्या आदि दोषों से रहित होने के सदा पवित्र जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीत करने वाले सभी कभी नहीं होता प्रिय अगात जो सब ओर से व्यापक है वह कबीर मनीषी है। देखो कबीर का अर्थ लिख दिया, कबीर को इन्होंने सर्वज्ञ अर्थ कर दिया, हम इसको कबीर या अपसर्ग ला दे चाहे ऐसे लिख दे जैसे ये यजुर्वेद है। अब इसके ऊपर छोटी रह की मात्रा है, यहां हम दो बिंदी ला जाए इसने अलग अलग कर दें तो भी ये पुस्तक का बोध टकराता है और एक रह लाकर उसका हलंत लगा दें तो भी यजुर्वेद ही बोला जाएगा इसके पवित्र पुस्तक का ही बोध है। इसी प्रकार ये कबीर मनीषी इन्होंने क्या लिख दिया कबीर का दो अपसर्ग लाकर ये बना दिया सर्वजर्थ कर दिया और मनीषी सब जीवों के मनों की वृत्ति को जानने वाला कोई कवि, अगर इसको हम कवि की संज्ञा दें इस शब्द को इनकी व्याकरण अनुसार तो क्या वो कवि कभी सभी जीवों की मनोवृत्ति से परिचित हो सकता है? नहीं, कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता जो सर्वज्ञ अर्थ करते हैं। तो यहां परिभू, परिभू का अर्थ है सबसे पहले प्रकट होने वाला दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला स्वयंभू अनादि स्वरूप जिसके संयोग से उत्पत्ति वियोग से विनाश माता पिता गर्भवास जन्म वृद्धि और मरण नहीं होता वह परमात्मा। देख कितनी बकवाद कर दी, स्वयंभू का सीधा अर्थ होता जो स्वयं प्रकट हो, इसने तो बकवाद करने का मतलब था ठेका ले रखा था आग अड़ंगाकरण का अज्ञान बनाने का। अब स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हो अपने आप बनने वाला और इसने इस सच्चाई को उलझाने के लिए कितनी लंबा उड़ज पुड़ज करके और ठोक दिया अड़ंगा इस वेद को। ज्ञान वेद बिल्कुल सही है लेकिन अनुवाद करता ठीक नहीं थे, इनको ज्ञान नहीं था। अब इसमें स्पष्ट लिखा है सुक्रम अकायम असनाविरम, अब सुक्रम माने वीर्य अकायम जो उस शुक्र से बनी हुई काया और नाड़ियों से रहित, जैसे परमात्मा का शरीर हम जैसा माता पिता के संयोग से बना हुआ नहीं है, लेकिन इसलिए स्वयंभू लिखा उसमें शब्द, स्वयंभू नहीं लिखते फिर अगर ये और सुक्रम नहीं लिखते अकायम असनाविरम ठीक था भगवान बिना काया का बिना नाड़ी क्यों लिखा, जब काया ही नहीं है तो नाड़ियां का जिक्र नहीं आ उसके विषय में। सुक्रम अकायम यानी वो माता पिता के यानी शुक्र से बनी हुई उसकी काया और नाड़ियों वाली काया नहीं है, वो स्वयंभू है, वो स्वयं प्रकट होने वाला है, वो परिभू है सबसे पहले वाला सनातन परमात्मा, परिभू माने सनातन परमेश्वर, वो कबीर मनीषी, वो कबीर सर्वज्ञ है, वो कबीर परमात्मा है जो सर्व ज्ञान युक्त और जिस परमेश्वर की चाह हम सबको है वो परमात्मा कबीर है। तो यहां वही बता रहे हैं परमात्मा
गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं अपने अपने परमेश्वर की महिमा बता रहे हैं, उन्हीं के द्वारा हुई वार्ता को जो का तुम बता रहे हैं। जात पात मेरे नहीं बसती है बिन थाम, गरीबदास अनिन गति तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर बिना चाम का है, तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है। यह शुक्र शुक्रम अकायम, ये शुक्र से बनी हुई है शरीर नहीं है, और बिना नाड़ी का मेरा शरीर है। ए स्वामी सृष्टा में यह सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीर। अधर ऊपर रहता हूं मैं सतलोक में, और यही प्रमाण यज्ञवेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 18 में लिखा है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, और वहां सफेद एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर ऊंचे सिंहासन के ऊपर विराजमान वो परमेश्वर, वो कबीर भगवान है। और वही परमात्मा सिंपल लैंग्वेज में परमेश्वर की महिमा आंखों देखी गरीबदास साहेब जी बता रहे हैं, और कबीर साहब क्या बताते हैं अपने आप को बता रहे हैं रामानंद जी को। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमरे तीर, ए स्वामी मैं पूरी सृष्टि का रचनहार हूं, और ये पूरा विश्व मेरे ही आधार है, मेरे तीर यानी मेरे ही आधार है। तीर माने किनारे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों अवगत सत्य कबीर। अधर ऊपर सतलोक में रहता हूं, और मैं अविगत सत्य कबीर, मैं वो अविनाशी कबीर हूं। कौमी धरनी आकाश में मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब ना दूसरा हम समतुल नहीं और। परमात्मा कहते हैं कि सर्वव्यापक मैं हूं, मेरी शक्ति सर्वव्यापक है। जैसे पुण्यात्माओं सूर्य साकार है और लाखों मील पृथ्वी से दूर है, उसकी उष्णता और प्रकाश ये पृथ्वी के कण सब जगह व्यापक है। उष्णता तो प्रकाश तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उष्णता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी साकार है, और उसकी उनके शरीर से निकल रही वो शक्ति जो सबको कंट्रोल कर रही है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है। परमात्मा साकार है, परमात्मा की पावर उसकी शक्ति सर्वव्यापक है, वो पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए है। कौमी धरनी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, मैं व्यापक सब ठोर सब जगह व्यापक हूं। दास गरीब ना दूसरा हम समतुल नहीं ओरे, मेरे बराबर कोई भी नहीं है, और मैं सर्वव्यापक सबका सृष्टा हूं। मैं सतगुरु मैं दास हूं, ओहे मैं सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा गुरु, जगत गुरु तत्वदर्शी संत मैं ही हूं। मैं सतगुरु मैं दास हूं, मैं हंसा मैं वंश दास गरीब दयाल हम, मैं ही करूं पाप विध्वंस, मैं ही पाप नाशक परमात्मा हूं। सुन रामानंद राम में, राम माने परमेश्वर, राम एक शक्ति बोधक शब्द है। सुन रामानंद राम में और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं व्यापक सर्वंग। सर्वव्यापक सर्व कला यानी जैसे भगवान श्री विष्णु 16 कला के भगवान हैं, और ब्रह्म 1000 कला का भगवान है, परब्रह्म 10000 कला का भगवान है, और कबीर परमेश्वर असंख्य कला का मालिक है। जैसे एक 60 वाट का बल्लभ हो, एक 1000 वाट का बल्लभ हो, एक 10000 वाट का बल्लभ हो, एक सूर्य उदय हो जा, सूर्य उदय हो गया समझो, सूर्य जितनी शक्ति या प्रकाश तो कबीर परमेश्वर की शक्ति समझो, और बाकी भगवानों के ये टिमटिमाते ये रोशनी है सूर्य की तुलना में।
सुन स्वामी सत भाक हूं, झूठ न हम रह रिंच, दास गरीब हम रूप बिना और सकल परपंच। परमात्मा कहते हैं कि मैं सच्ची कह रहा हूं स्वामी जी, इतनी भी झूठ, रिंचक भी झूठ नहीं है, और मेरी मेरे रूप बिना, मेरी शक्ति के बिना और सकल परपंच जितने भी तू भगवान मानने बैठा है ये बिल्कुल नकली है, ये नाशवान है, पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस विजोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोता हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, मैं तो कहता हूं कि मैं भगवान हूं, मैं रो रहा हूं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो, तुम जिन भगवानों की पूजा करते हो ये परमात्मा पूर्ण नहीं है, तुम्हें काल के जाल से बाहर नहीं कर सकते, ये तुम्हारे कर्म के दंड को, पाप को नष्ट नहीं कर सकते, और तुम ढूंढ रहे हो हे भगवान, हे पूर्ण परमात्मा हमारे, हमें सुख दो, हमारे पाप नाश करो, हमें ये लाभ दो, जिन भगवानों को तुम पाप नाशक जान कर इनके पीछे फिर रहे हो, इनसे तुम्हें ये सुख होने वाले नहीं है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन तुम इस अज्ञान अंधेरे में मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, कबीर साहब कहते हैं कह कबीर इस वियोग को भाई समझ ना सकता कोई। इस वियोग को, हमारे बीच में जो पर्दा आ गया अज्ञान का, अब इसने कोई नहीं समझ पा रहा। परमात्मा या कितने चमत्कार, कितनी लीला करके चले गए, कितना निर्मल ज्ञान बोल दिया जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, लेकिन अज्ञानी काल के दूतों, ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं ने हमारे को परमात्मा पहचानने नहीं दिया, और अभी इन नकलियों का, इन अज्ञानियों का अब भी यही प्रयत्न है, और यही कारण था इस क्रोधा कांड कराने का, काल से प्रेरित होकर के तुम्हारे अज्ञान की कहीं खाल ना उतर जा और जनता को सच्चाई का पता लग गया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। पुण्यात्मा, ये तो परमात्मा ने अब करना था यो खेल, और जनता को जगाना है, अपनी महिमा को प्रकट करना है और जीवों का उद्धार करना है, इसलिए इन नकलियों की दाल गली को ना, और ना गले, क्योंकि समाज शिक्षित है, बिचली पीढ़ी है, इसके ऊपर विशेष वरदान है परमात्मा का, ये पार होंगे। चारों युग में हम फिरे मैं आऊ मैं जाऊं, गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाऊ। अब क्या बताते हैं कि चारों युग में मैं आता हूं लेकिन मुझे पहचान नहीं पाते हैं। कहते हैं कोई तत्वदर्शी संत से मेरे बारे में जानकारी, मेरा भेद से मुझे प्राप्त करोगे। गरीब दास गुरु भेद से लखो हमारी ठाव, तत्वदर्शी संत मेरे विषय में जानकारी देगा, फिर मेरे उस वास्तविक स्थान ठाम यानी स्थान सतलोक को पहचानो। गोता लाऊं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। गोता मारूं स्वर्ग में यानी स्वर्ग में पहुंच जाऊं एक सेकंड में, फिर पाताल नीचे एक लोक है वहां पहुंच जाता हूं, मैं अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिरता हूं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो गुप्त रूप से उनका बचाव कर जाता हूं, और वो भोली आत्मा समझता है कि मैं हनुमान पूजा करता इसलिए मुझे लाभ हो गया, लेकिन कबीर परमेश्वर आकर उनकी रक्षा कर जाता है। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान जब आपको समझ में आएगा तो पता चलेगा कि हम किसी भी आपत्ति से बचते थे तो हम समझते थे कि हम जिस देव की पूजा करते वो हमें हमारी रक्षा कर गया, ये रक्षा करण के है नहीं, ये रक्षा हमारी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्म के प्रारब्ध को ये चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध चेंज हुए बिना हमें सुख नहीं हो सकता, और प्रारब्ध में परिवर्तन केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ही कर सकता है। अब कई ये कहते हैं कि मीराबाई ने जहर का प्याला पिया था, वो मरी नहीं है, और ऐसे ऐसे बहुत से
तो भगवान श्री कृष्ण की पुजारण थी उन आत्माओं, यह भूल लगी है। यही चौंध तोड़ने के लिए, यही अज्ञान हटाने के लिए तत्व ज्ञान का प्रकाश किया जा रहा है। मीरा बाई युगों युगों से कबीर परमेश्वर, पता नहीं कौन से जन्म भगवान की शरण में रही थी वो आत्मा, और उस समय ढेर सारे पुण्य उसके हो गए थे, जिसके कारण एक रानी बनी, अच्छे घर में जन्म हुआ, लेकिन परमात्मा की चाह बनी रही। और उस समय जैसी दंत कथा के आधार पर उसको भगवान की महिमा सुनने को मिली, श्री कृष्ण की पुजारण थी, लेकिन श्री कृष्ण ऐसा बचाव नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? जैसे अब हमने मान लिया कि श्री कृष्ण की पूजा वो करती थी और इस कारण से विषपान करने पर भी बच गई, नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन भगवान बताए, एक ब्रह्म सरपुरुष और परब्रह्म, इसको अक्षर पुरुष कहते हैं। ये दोनों नाशवान हैं, इनके प्राणी, इनके लोकों में प्राणी भी और इनके सथूल शरीर भी नाशवान है, जीव अविनाशी है। 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है, जो तीन, जो परमात्मा कहलाता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तीनों लोकों में आकर प्रवेश करके, यानी यहां अतिथि की तरह आकर के, और सबके, जो भी जिसके कोई आपत्ति है उसको तुरंत वो समाप्त कर जाता है। और वो सोचता है कि मेरी पूजा, मैं इस देव की पूजा कर रहा था, मुझे इससे ही लाभ हुआ। वो परमात्मा अपने भक्त के कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरूं जब तक धरती आकाश। जो मेरी शरण में एक बार आ गया किसी युग में, फिर उसको ना जाने कब तक उसकी रक्षा करता हुआ आता रहूंगा, उसके हृदय में भगवान की चाह बनी रहेगी। और काल तो चाहता है कि भगवान का अस्तित्व तो समाप्त हो जाए, ये नास्तिक हो जाएं, इनको कोई लाभ ना हो धार्मिक आध्यात्मिक। और परमात्मा इसलिए रह रहकर यहाँ आता है, अपनी शक्ति प्रकट कर जाता है, भगवान की स्थिति को कायम रखता है कि भगवान है कोई शक्ति जो सब कुछ कर सकता है, जिस कारण से हमें आज तक भगवान की चाह बनी रही। अगर ये ज्ञान अब प्रारंभ नहीं होता, 50 वर्ष के बाद कोई राम का नाम लेने वाला नहीं रहता, ये गारंटी देता हूं। भगवान की स्थिति समाप्त हो जाती। क्यों नकली संतों से नाम ले लेकर ये सब भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ, 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष से भटक कर बेचारे वापस यहां आ रहे, और 50 वर्ष में सब कह देते कहीं भगवान नहीं, सब कहने की बातें हैं, बकवाद हैं। कुछ जैसे चीन के अंदर कितने धार्मिक लोग हुआ करते थे, महात्मा बुद्ध को मानते थे, सभी धार्मिक लोग थे, इसलिए बौद्ध को मानते थे बुद्ध को। और अब उन जिस बुद्ध की जो क्रियाएं थी हठ योग करना, उससे उनको कोई लाभ हुआ नहीं, अब वो कम्युनिस्ट बन गए, नास्तिक बन गए, भगवान है ही नहीं। यही रोग यहां कट जाना था हिन्दुस्तान में 50 वर्ष के बाद, अगर ये भक्ति परमात्मा की इस दास के द्वारा फिर प्रारंभ ना होती तो। अब विचार करो, जैसे टटीरी, एक उदाहरण आता है, महाभारत का युद्ध होने लगा और उस समय एक टटीरी पक्षी ने उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे पैदा कर दिए, और उसको देखा, उसने देखा चारों तरफ से सेना इकट्ठी होने लगी, धुन जो है ना बाजन लगे शंख लड़ाई के, तब उसने अर्ज की थी, भगवान मेरे पांचों मेरे अंडों की रक्षा करियो। अब उसकी पुकार सुनी, वह ना तो किसी, वह किसकी पूजा करती थी टटेरी पक्षी, ना वह कृष्ण न जाने थी, ना विष्णु न जाने थी, वो कभी ना कभी कबीर परमेश्वर की शरण में रही है वो आत्मा, लेकिन उस निर्भाग आत्मा ने परमात्मा के को ना पहचान कर कुछ समय भक्ति अवश्य की, लेकिन फिर डगमगा जाते हैं जो लोग, वो फिर आगे दुखी होते हैं, लेकिन परमात्मा वहां भी उनकी रक्षा कर जाता है। तो वो रक्षा किसने की? वो कबीर परमेश्वर ने की। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। तो पुण्यात्माओं, ये प्रसंग चल रहा था कि कबीर परमेश्वर स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही एक दास बनते हैं, और स्वयं ही वो जगत गुरु और स्वयं ही वो परमेश्वर है। उन्होंने स्वयं आकर के अपनी महिमा आप बताई है,
और ये पिछली पीढ़ी यह प्रारंभ होगी है। आपका सौभाग्य है कि आपको पिछली पीढ़ी के अंदर जन्म है और आपको ये तत्वदर्शी संत ये दास आपको मिल गया सौभाग्यवश। अब वो जितने भी देरी से यहां प्राणी आएंगे, आना तो सबको पड़ेगा, इस पृथ्वी पर कहीं ठिकाना नहीं है। जिसने भगवान चाहिए और इस काल के गंदे लोक में सुख चाहिए तो कबीर परमेश्वर ही दे सकता है, और वो भी उस दास के पास विधि है, उससे ही आपको मिलेगा और किसी साधन से नहीं। ये नकली कबीर पंथ, ये 12 पंथ काल के नकली हैं, जितने भी ये पंथ चल रहे हैं कोई कबीर पंथ ही अवश्य कहलाते हैं, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं है, सतनाम नहीं है, सारनाम तो आसपास भी नहीं है उनके। और जब तक हमें सतनाम और सारनाम ये दोनों नहीं मिलेंगे तब तक हमारा कल्याण हो नहीं सकता, वो पृथ्वी पर किसी के पास नहीं इस दास के अतिरिक्त। तो एक दिन पूरे विश्व ने जिनको भगवान चाहिए श्रद्धालुओं को इस दास के पास आना पड़ेगा, और जितना देर तक आवेंगे उतना ही पछताना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आपका बहुत सौभाग्य है कि आप परमात्मा के चरणों में आ चुके हो और शेष जो रह रहे हैं वह भी आवेंगे। तो आप कितने पुनकर्मी प्राणी हो, लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में तो सतगुर शरणा ले। ओए होए, आप इतने पुण्यात्मा कभी न किसी जन्म में रहे हो कि लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे, लाख बार सूरवीर रहा हो कोई, क्योंकि एक सूरवीर बहुत ही अत्यधिक पुनों के कारण उसके अंदर ये गुण आता है। सूरवीर वो होता है कि वो कभी दुराचार नहीं करता, अन्याय नहीं करता, अन्याय को सहन भी नहीं करता। ऐसे गुण पिछले बहुत ज्यादा पुनों से ही प्राणी में आते हैं। वो अन्याय के विरुद्ध लड़ता हुआ अपना शीश दे सकता है लेकिन वो उल्टा नहीं हटता। लखबर सावत दे, लाख बार कहते सावत दे होती है जिसके हाथ गोड्या नीचे हो, वो शायद इस पृथ्वी पर वर्तमान में शायद ही कोई हो, लेकिन ऐसे पहले बहुत से प्रमाण मिलते थे। तो वो पुण्यात्मा बहुत ही पुण्यात्मा होता है जिसके पिछले ये गोड्या नीचे थे कि हाथ होते, सावत दे सावत शरीर बोलते हैं उसको। और लखबर यति जहान में, यति जैसे हनुमान जैसे, कहते इसे इसे लाखों बार रह चुके हो तुम, तब की तो सतगुरु शरणा ले, तुम इतनी पुण्य आत्मा रहे हो तब तुम्हें आज परमेश्वर की शरण प्राप्त हुई है। आप ये ना समझना कि आप पहले से ही ऐसे ही थे, नहीं, आप राजा भी रहे हो, आप देव भी रहे हो, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाई है, लेकिन अपने पुण्य को स्वर्ग में समाप्त करके पापाधार पाप नरक भी गए हो, 84 लाख योनियां भी भोगी हैं और फिर ये घसियारे फिर आवड़े नो के नो। तो जब तक हम इस काल के लोक से नहीं निकलेंगे, ये साधना आप नहीं करोगे तब तक काल के जाल से आप नहीं निकल सकते, आपका कष्ट नहीं मिट सकता, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। और वो जड़ी इस दास के पास है, आप भी इस जड़ी को खाओ और अपने संबंधियों को भी समझा बुझा के परमेश्वर के चरणों में लाओ, आपको बहुत पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव।